ਨੇਰਾ ਚੋਟਾਲਾ ਜੀ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनहित के कुछ विषय सरकार के सामने रखना चाहती हूं और आशा करती हूं कि सहानुभूतिपूर्वक इन विषयों पर विचार किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में प्रत्येक मंडी में किसान की फसल के उत्पादन पर 2% HRDF फीस के रूप में पैसा इकट्ठा करता है। मेरी जानकारी के अनुसार इस वर्ष कम से कम 366 करोड़ रुपये HRDF और 366 करोड़ रुपए जो है वो मार्केटिंग बोर्ड की फीस किसानों से इकट्ठी की है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि इसका 33% हिस्सा जो है वो ग्राम पंचायतों को देना चाहिए, शहर में देना चाहिए, ताकि जो विकास के कार्य हैं, हम हर चीज, इतना पैसा जब हम किसानों से लेते हैं तो उसका 33% भाग जो है वो ग्राम पंचायतों को दे। आड़ती की फीस लगती है, किसानों से तो नहीं लेते। 2% आड़तियों से भी लेते तो 33% हिस्सा उसका ग्राम पंचायतों को देना चाहिए, ताकि ग्राम पंचायतों में विकास हो सके। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए शादी में 51,000 रुपए जो है वो आर्थिक मदद देती है। महोदय, आज की महंगाई की आज बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, ऐसे में अनुसूचित जाति के परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की जो राशि दी जाती है, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उसको 2,00,000 रुपए बढ़ाकर किए जाएं। और ऐसे ही जो भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना है, उसके अंतर्गत आने वाली 80,000 रुपए की राशि जो है उसको कम से कम बढ़ाकर 1,25,000 रुपया किया जाना चाहिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा एडवोकेट विशेषकर जो हमारे नए वकील आते हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए। आज के समय में नए वकीलों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वकील नए बनकर आते हैं उनके लिए चैम्बर्स नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि ऐसे वकीलों को बैठने के लिए चैम्बर्स की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। नए एनरोल्ड एडवोकेट को जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनको 3 वर्ष तक 5,000 रुपये महीने की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। वकील के परिवार के सदस्य सामान्य प्रीमियम पर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत कवर होने चाहिए। इनके परिवारों को आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत 5,00,000 तक की स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी चाहिए। एडवोकेट के बच्चों को लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 10% सीट का आरक्षण मिलना चाहिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्का बाड़ा में पिछले 1.5 महीने से किसान जो है वो धरने पे बैठे हैं। उनकी 5 मांग में से 4 मांगें जो है वो सरकार ने पूरी कर दी। सिर्फ एक मांग उनकी ये है, अभी आप नहीं बताओ क्योंकि यहाँ मैं टाइम नोट कर रही थी, इस साइड से जो बोल रहा था उसको आप 4 मिनट 20 सेकंड दे रहे। मैंने खुद घनश्याम दास का टाइम मैंने खुद नहीं नोट किया है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, बोलो आप, बताओ। अध्यक्ष महोदय, बाड़ा में जो किसान बैठे हैं वो पिछले 2 महीने से एक मांग कर रहे हैं कि जो ये क्षतिपूर्ति पोर्टल, अनेकों विधायकों ने इस बात को उठाया, मैं भी आपके माध्यम से कहती हूँ कि 3 दिन के लिए 72 घंटे के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है। गांव के लोग इस क्षतिपूर्ति पोर्टल के बिल्कुल अनजान है। तो सरकार ने SDM के द्वारा जो भी गिरदावरी रिपोर्ट सरकार को भेजी है उनको सरसों की फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं एक मांग और रखूंगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। दादरी शहर में संस्कृति मॉडल स्कूल है जिसमें आज भी 3 फुट तक पानी, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि शिक्षा मंत्री जी 3 फुट तक आज भी स्कूल में दादरी संस्कृति मॉडल स्कूल है जिसमें 3 फुट तक जो है, श्रीमती मेरी छोटी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके लिए सरकार ने 12,08,00,000 रुपए की राशि जो है वो जारी की है। तो प्लीज आप इस राशि को जल्द से जल्द भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।